नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रुति, असिस्टेंट प्रोफेसर स्टैटिस्टिक्स, आज UGST 80101 स्टैटिस्टिकल मेथड्स के ब्लॉक 4 कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, टू वेरिएबल्स एंड एसोसिएशन के यूनिट 9 रिग्रेशन एनालिसिस के बारे में आप लोगों को बताऊंगी। इससे पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि हम मीन, मीडियन, मॉड या मेज़र ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेज़र ऑफ डिस्पर्सन, कोरिलेशन, रिग्रेशन वगैरह की स्टडी क्यों करते हैं, आज इन ब्रीफ मैं आपको बता देती हूँ। मेज़र ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हमें किसी भी डेटा के सेंटर पॉइंट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, उसकी कंसंट्रेशन कहाँ पर है ये बताता है। मेज़र ऑफ डिस्पर्सन किसी भी डेटा का वेरिएबिलिटी बताता है कि उसकी वेरिएबिलिटी कितनी है, कितने दूर तक वो जा रहा है। सेम इसी तरीके से कोरिलेशन एनालिसिस के थ्रू दो वेरिएबल्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है, क्या लीनियर रिलेशनशिप है, इसके बारे में हम लोगों ने इससे पहले की यूनिट्स में स्टडी की है। ये पर्टिकुलर रिग्रेशन एनालिसिस हम क्यों करते हैं, प्रिडिक्शन के लिए। हमारे पास पीछे से कुछ डेटा आ रहा है, अब वो आगे क्या होगा, आगे क्या प्रिडिक्ट करेंगे हम, उसके लिए इसके लिए रिग्रेशन एनालिसिस की स्टडी की जाती है। आइए देखते हैं। जैसा कि अभी बताया था, UGST 80101 स्टैटिस्टिकल मेथड ब्लॉक 4 कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, टू वेरिएबल्स एंड एसोसिएशन, यूनिट 9 रिग्रेशन एनालिसिस। इस चैप्टर का, इस यूनिट का क्या स्ट्रक्चर है, सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन, देन ऑब्जेक्टिव्स, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं रिग्रेशन के बारे में, सिंपल लीनियर रिग्रेशन ही आपके कोर्स में है उसके बारे में, लीनियर रिग्रेशन एंड लीस्ट स्क्वायर प्रिंसिपल, रिग्रेशन लाइंस, सम इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ टू रिग्रेशन कोफिशेंट, एक्सरसाइजेस एंड आंसर्स, समरी एंड फर्दर रीडिंग्स। इंट्रोडक्शन, अभी बताया कि रिग्रेशन एनालिसिस क्यों यूज़ किया जाता है, यहाँ पर भी वही चीज़ लिखी है। प्रिडिक्शन इज़ अ गोल कॉमन टू ऑल साइंसेज इंक्लूडिंग सोशल साइंसेज एंड बिहेवियरल साइंसेज। प्रिडिक्शन इज़ बेस्ड ऑन रिलेशनशिप बिटवीन और अमंग वेरिएबल। It is the fact that crime rate and cost of living are correlated that enables us to predict crime rate for cost of living from cost of living or vice versa. Thus, the correlation between variables set the stage of prediction one variable from another. The stronger the correlation between two variables, the more accurately can be predicted from the other, and weaker the correlation, less accurate is the predictions. The powerful statistical tool of translating correlations into predictions is referred to a bivariate regression analysis or simple regression analysis. Regression analysis is a method of analyzing a variability of a dependent variable by restoring of information available on one or more independent variables. Iske liye hamare paas ek dependent variable hota hai aur एक या एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं जिसके ऊपर हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल बेस्ड होता है और उसी के थ्रू हम प्रिडिक्शंस को करते हैं। व्हाट आर द एक्सपेक्टेड चेंजेस इन वाई एज अ रिजल्ट ऑफ चेंजेस इन एक्स। बाइवेरिएट रिग्रेशंस रिफर टू द केस इन विच ओनली वन एक्स एंड वन वाई आर बीइंग एनालाइज्ड एट अ टाइम। It is through bivariate regression analysis that the correlation between x and y is used in prediction one variable from the other variable called the criterion variable or dependent variable or y variable from the other variable called the predictor variable or independent variable or x variable. Objectives is unit ke liye, after going through this unit you shall be able to understand regression and obtain regression lines, use regression coefficient and their properties. Now, types of regressions. Simple regression. The regression analysis confined to the study of only two variables at a time is called simple regression. Simple regression में हम केवल दो variables की study करते हैं. Multiple regression. The regression analysis for studying more than two variables at a time is known as multiple regression. Multiple regression में हम एक समय में दो से ज़्यादा variables की study करते हैं. आप इस कोर्स में, यहाँ पर इस यूनिट में ये केवल सिंपल रिग्रेशन को रिप्रेजेंट करेगी। इस यूनिट में केवल और केवल सिंपल रिग्रेशन के बारे में बताया गया है। अब सिंपल रिग्रेशन भी दो तरीके का होता है, एक लीनियर रिग्रेशन, एक नॉन लीनियर रिग्रेशन। लीनियर रिग्रेशन में इफ़ द रिग्रेशन कर्व इज़ ए स्ट्रेट लाइन
then there is a linear regression between variables under study. In other words, in linear regression, the relationship between the two variables x and y is linear. Now, non-linear relationship. If a curve on regression is not a straight line, that is not a first degree equation in the variable x and y, then it is called a non-linear or curvy linear regression. In this case, regression equation will have a functional relation between the variables x and y involving terms in x and y of the higher degree, involving terms like x square, y square, x cube, y cube, x, y, etc. Now, utility of regression analysis. First utility, the cause and effect relations are indicated from the study of regression analysis. It establishes the rate of changes in one variable in terms of changes in another variable. It is useful to economic analysis as regression equation can determine an increase in cost of living index for a particular increase in general price level. It helps in prediction and thus one can estimate the value of unknown quantities. It helps the determining the correlation of coefficient as r is equals to under root of b y x and b x y. अब यहाँ पर b y x और b x y क्या है? ये regression coefficient है x on y and y on x के लिए. आगे इसकी study होगी, आगे इसके बारे में बताया जाएगा. Next is, it enables us to study the nature of relationship between the variables. And last, it can be useful to all natural, social and physical sciences where the data are in functional relationship. Now, purpose of regression analysis. An important use of this statistical method is to forecast or predict future events. Insurance companies sometimes set premiums on the basis of statistical predictions. The cost of automobile insurance for minor is greater than for adults because age often correlates with frequencies of accidents. Colleges usually admit the reject application primarily on the basis of prediction about their probate future scholastic performance made from the scholastic aptitude test and academic performance in high school. आगे अगर आप कुछ examples इसके देख सकते हैं कि these examples involve predictions. उन सब सभी examples में हम predictions को देख रहे थे. The degree of reliance on statistical consideration in making these predictions varies greatly from one application to another. Insurance companies rely heavily on statistical predictions where the selection of employees is rarely made on the purely statistical consideration. By using these statistical method, the accuracy of predictions of a dependent variable, a criteria or outcome variable, a certain or outcome variable from one or more independent predictor variables can be maximized. In statistical terms, the dependent variable y is said to be a function of independent variable x. No causal relationship is assumed. Indeed, caution is besides the point in forecasting. The simplest type of prediction involves predicting the dependent variables y from only one independent variable x when both x and y are normally distributed. Simple linear regression model. ये एक लाइन का इक्वेशन है जो कि इससे पहले मैथ्स में हम लोग सब लोग एक स्टडी कर चुके होंगे कि ये लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, y इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी. इसी से इसमें ये y जो है वो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है और x जो है वो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है क्योंकि y की वैल्यूज़ x की वैल्यूज़ पर डिपेंड कर रही हैं. उसी के बारे में यहाँ पर सपोज़ x एंड y आर परफेक्टली लीनियर पॉजिटिवली कोरिलेटेड. The simplest type of causal effect, the linear effect, is represented by a straight line. Y is equals to a plus bx. Y is known as dependent variable, response variable, and endogenous variable, where x is independent variable, where a value of y when x is equals to 0.
दिस कॉन्स्टेंट ए इज ऑल्सो कॉल्ड द वाई इंटरसेप्ट बिकॉज वेन ए लाइन इज प्लॉटेड ऑन ए ग्राफ ए इज द वैल्यू ऑफ वाई एट द पॉइंट वेयर द लाइन अक्रॉस क्रॉसेज द वाई एक्सिस. वी नो दैट इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस इज एक्स इज इक्वल्स टू जीरो. बी इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ द लाइन. द स्लोप रिप्रेजेंट द चेंज वाई पर यूनिट इंक्रीज इन एक्स. इफ एक्स वेयर अ कॉज ऑफ वाई देन वन यूनिट इंक्रीज इन एक्स वुड कॉज वाई टू चेंज बाई बी यूनिट्स. दस बी रिप्रेजेंट्स द इफेक्ट ऑफ एक्स ऑन वाई. इफ बी इज ग्रेटर देन जीरो वाई इंक्रीज विद एक्स. इफ बी इज लेस देन जीरो वाई डिक्रीज विद एक्स. एक एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं. सपोज यू आर टोल्ड दैट फॉर ए ग्रुप ऑफ 20 स्टूडेंट्स देयर इज ए परफेक्ट लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन ग्रेड पॉइंट्स एवरेज वाई एंड स्कोर्स ऑन द इंटेलिजेंस टेस्ट एस. सपोज यू आर ऑल्सो टोल्ड द इक्वेशन डिस्क्राइबिंग द रिलेशनशिप इज वाई इज इक्वल्स टू 1.025x. इफ द इंडिविजुअल ऑब्टेन अ स्कोर ऑफ 100 ऑन द इंटेलिजेंस टेस्ट नंबर 1, वॉट मस्ट हिज और हर ग्रेड पॉइंट एवरेज बी. वॉट मस्ट द स्टूडेंट ग्रेड पॉइंट एवरेज बी इफ ही शी ऑब्टेन द इंटेलिजेंस टेस्ट स्कोर 97 एंड ऑफ 108. यहाँ पर हमने लिया एक्स की वैल्यू हमें 100 दिया हुआ है. यहाँ पर ग्रेड पॉइंट एवरेजेस ये वैल्यूज़ है. यहाँ पर हमने वैल्यूज़ को पुट अप किया तो वाई की वैल्यू आ गई हमारे पास 3.50. अब एक्स 97 अगर हमें गिवन है, अगर यहाँ पर पूछा गया है कि ये 97 स्कोर अगर है तब क्या होगा, सेम इक्वेशन में यहाँ पर एक्स की वैल्यू हम 97 पुट कर देंगे. ये 97 पुट किया तो वाई की वैल्यू क्या चेंज हो गई, 3.425. सिमिलरली और हमें प्रिडिक्ट करना है एक्स इज इक्वल्स टू 108. 108 पर क्या होगा, अभी हमें 100 तक दिया हुआ था तो 108 पे यानी हम पीछे का भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं वैल्यू और आगे की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं. तो x अगर 108 है तो वैल्यूज़ क्या हुई, तो वैल्यू हुई 3.70. नाउ लीनियर रिग्रेशन एंड लीस्ट स्क्वायर प्रिंसिपल. लीस्ट स्क्वायर प्रिंसिपल क्या है, इसको समझने के लिए इसको ये यहाँ पर सॉल्व किया गया है पूरा इक्वेशंस. इसको अगर हम देखते हैं तो सपोज n पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, हमारे पास n पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं एक्स आई वाई आई वेयर आई टेक्स वैल्यूज 1, 2, 3 अप टू n आर गिवन. व्हेन प्लॉटेड ऑन ए ग्राफ पेपर द स्कैटर डायग्राम मे गिव एन इम्प्रेशन दैट ए स्ट्रेट लाइन प्रोवाइड अ रिजनेबली गुड फिट टू द डेटा. इट मीन्स दैट वन मे बी जस्टिफाइड इन यूजिंग अ लीनियर रिग्रेशन मॉडल टू एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल एक्स एंड वाई. इट डज नॉट मीन दैट ऑल पॉइंट्स एक्स आई वाई आई आई इज इक्वल्स टू 1 to n फेल फॉल्स ऑन द स्ट्रेट लाइन. अगर हम एक इक्वेशंस टाइप करते हैं, ये अगर एक स्कैटर डायग्राम है और ये हमारे पास उसका है और ये रिग्रेशन लाइन, ये एक लाइन हमने एक वहाँ पर ड्रॉ की है, तो जितने भी स्कैटर डायग्राम में पॉइंट्स हैं ज़रूरी नहीं है कि वो सारे के सारे पॉइंट हमारे इस स्ट्रेट लाइन पर ही आ रहे हों. कुछ पॉइंट्स ऊपर होंगे तो कुछ पॉइंट्स नीचे होंगे. तो इनको बेस्ट फिट करने के लिए कि ये पॉइंट्स भी यहाँ पर आएँ और उनके बीच में जो एरर है, डिस्टेंस है, जो डिस्टेंस आएगा कि इस पॉइंट से के लेके इस लाइन तक आने के लिए जो डिस्टेंस है और नीचे अगर कोई पॉइंट है उसको भी इस लाइन पर आने के लिए जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस मिनिमम हो. अगर वो डिस्टेंस मिनिमम होती है तो वो लाइन हमारी बेस्ट फिट होगी और वो बेस्ट रिग्रेशन लाइन कहलाएगी. उसी के लिए इट इज़ ओवरऑल पैटर्न ऑफ द प्लॉटेड पॉइंट्स विच सजेस्ट दैट द वेरिएबल्स एक्स एंड वाई आर रिलेटेड बाय द रिलेशन ऑफ द टाइप आइदर वाई इज इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स और एक्स इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा वाई. केवल नोटेशंस चेंज है ए और बी और अल्फा और बीटा के, वेयर ए बी और अल्फा बीटा आर द अननोन क्वांटिटीज. द लाइन ऑफ रिग्रेशन इज द स्ट्रेट लाइन विच गिव्स द बेस्ट फिट इन द लीस्ट स्क्वायर सेंस ऑफ गिवन बायवेरिएट फ्रीक्वेंसी और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. वंस इट डिसाइडेड दैट इन ए गिवन प्रॉब्लम द रिग्रेशन इज अप्रॉक्सीमेटली लीनियर से वाई इज इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है
then the problem is to use the data to obtain estimates A cap and B cap of A and B. A का जो estimate है वो A cap है, best estimate. B का B cap जो equations को solve करने के बाद आएगा. Of A and B respectively such that the estimate regression line, अब regression line convert हो जाएगी best fit के बाद. A cap plus B cap X is in least square sense provide the best possible fit to the given data. Let us understand what is the mean. Let y is equals to a plus bx. ये एक straight line की equation है और इससे पहले बताया जा चुका है कि यहाँ पर सिर्फ simple regression analysis की study करनी है जहाँ पर दो variable होगा, एक independent variable होगा और एक dependent variable होगा. यहाँ पर x independent variable है और y जो है वो dependent variable है. तो ये एक regression line की equation हो गई. Now yi is equals to actual value of y for x is equals to xi. अगर x is equals to xi है तो solve होने के बाद जो हमारी value आई वो y की जो value आएगी वो yi होगी. yi cap which is the estimate value of y for x is equals to xi. अब yi cap जो होगी वो estimated value होगी xi की. ei क्या है? Error जो अभी यहाँ पर हमने बताया था कि इस ऊपर वाले पॉइंट को इस पॉइंट तक लाने के लिए अगर हमें बेस्ट फिट करना है तो ये हमारी जो एरर है वो ये है. ई आई इज इक्वल्स टू वाई आई माइनस वाई आई डैश इज इक्वल्स टू एरर ऑफ रेसिडेंट ऑफ वाई फॉर एक्स इज इक्वल्स टू एक्स आई. द एरर ई आई इज द एरर इन पब्लिशिंग यूजिंग दिस. इसमें ये दिखाया हुआ है कि इस तरीके से है तो ये जो ये वाला जो डिस्टेंस है ये हमारा ई आई है. इस ग्राफ में ई आई इज इक्वल्स टू वाई के रिस्पेक्ट में अगर हम ऐसे चल रहे हैं वाई एक्सेस के इसमें तो वाई आई माइनस वाई आई डैश. और अगर इस पॉइंट इसको अगर हम कवर कर रहे हैं तो एक्स आई माइनस एक्स आई डैश. अ लॉजिकल वे ऑफ इवेलुएटिंग प्रिडिक्टिव पावर ऑफ द इक्वेशन इज टू कंप्यूट द सम ऑफ ऑल रेसिडुअल्स बट सिंस सम रेसिडुअल्स आर पॉजिटिव सम आर निगेटिव एंड सम आर ज़ीरो व्हेन दे आर ऑल समड we get a sum of zero. Therefore, v squared residual is always positive. हमेशा ई आई स्क्वायर को लिया जाता है क्योंकि कुछ यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो कुछ हमारे नेगेटिव होंगे, कुछ पॉजिटिव होंगे. अगर हम उन सब का सम कर देंगे तो वो सब के सब सम हो सकता है कि ज़ीरो या नेगेटिव हो जाए. इसलिए अगर हम उसका स्क्वायर लेंगे तो वो हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी. तो ई आई स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई आई माइनस वाई आई कैप का होल स्क्वायर. After squaring each residual sum all to get a sum of square residual or error sum of square SSE. आगे भी इसकी ये SSE आगे काफ़ी यूज़ होगा एनालिसिस ऑफ वेरियंस या आगे के आपके थर्ड ईयर या सेकेंड ईयर के थर्ड ईयर के कोर्सेज में. तो इसको हमें काफ़ी ध्यान से पढ़िएगा. After squaring each residual sum them all to get a sum of square residual और एरर सम ऑफ स्क्वायर SSE विच इज़ समेशन ऑफ ई आई स्क्वायर समेशन ऑफ वाई आई माइनस वाई आई कैप का होल स्क्वायर. द प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर रिक्वायर्ड ए एंड बी बी सो चूजन दैट द एरर सम ऑफ स्क्वायर समेशन ऑफ ई आई स्क्वायर इज मिनिमम. दीज एस्टिमेट्स ए कैप एंड बी कैप आर नोन एज लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेट ऑफ ए एंड बी रिस्पेक्टिवली. वाई इज इक्वल्स टू ए कैप प्लस बी कैप एक्स and a regression line of y on x. A natural question would be whether there is another line that could reduce this total amount of square summation of ei square. That is there a line that would make even better predictions? In other words, whether these exist a line for which is SSE is minimum? No, there does not exist such a line. This line y is equals to a cap plus b cap x is the best fit line. This line minimizes the sum of square residuals and the line of best fit. Here the residual sum of square of ordinate y cap y i's are minimized. Hence the line is said to be regression line on y on x. It is of the form y cap
y माइनस वाई बार इज इक्वल्स टू बी वाई एक्स, एक्स माइनस एक्स बार और y इज इक्वल्स टू ए कैप प्लस बी कैप एक्स. दिस इक्वेशन सजेस्ट द मिनिमाइज द स्क्वायर सम ऑफ स्क्वायर वैल्यूज ऑफ रेसिडुअल माइट बी गुड क्राइटेरिया ऑफ सेलेक्टिंग द लाइन दैट फिट्स द बेस्ट डेटा. द लाइन दैट मिनिमाइजेज द स्क्वायर रेसिडुअल इज लाइन ऑफ बेस्ट फिट. द लाइन दैट मिनिमाइजेज द स्क्वायर रेसिडुअल इज कॉल्ड लीस्ट स्क्वायर लाइन. द इक्वेशन आर डिस्क्राइब दिस लाइन इज रिफर्ड टू एज द लीस्ट स्क्वायर इक्वेशन. मैथमेटिकल थ्योरी एशोज द एट द लीस्ट स्क्वायर लाइन ऑल्सो कॉल द रिग्रेशन लाइन और द प्रिडिक्शन लाइन. अब इसके लिए हम क्या करना होगा, एक स्ट्रेट लाइन लिया, अभी तक हम x के लिए ले रहे थे तो x ऑन y वाली लाइन आई हमारी. अब नेक्स्ट करेंगे तो हमारी सेम प्रोसेस हम फॉलो करेंगे, y ऑन x ऑन y का लाइन हमारे पास आ जाएगा. आगे देखते हैं रिग्रेशन लाइंस. रिग्रेशन लाइन हमारे पास इस तरीके से, ये y x y i का एक पेयर है हमारे पास. i की वैल्यू 1 से लेकर के n तक है. y अगर है y इज इक्वल्स टू y ऑन x, मतलब y बेस्ड है x पर. सो y ऑन x इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स. सम ऑफ स्क्वायर हमारे पास क्या है, एरर सम ऑफ स्क्वायर एस एस ई समेशन ऑफ ई आई इसका स्क्वायर इज इक्वल्स टू एस स्क्वायर. द डिज़ायर्ड एस्टिमेट ऑफ दिस, इसको ये हमें पता है कि प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा क्या होता है, उसी के थ्रू ये मैथमेटिक्स में हम लोग पढ़ चुके हैं प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा. डेल ऑफ एस स्क्वायर, डेल ऑफ ए इज इक्वल्स टू जीरो, डेल ऑफ एक्स स्क्वायर डिफ्रेंशिएट करेंगे, पार्शली डिफ्रेंशिएट करेंगे इक्वेशंस को. पार्शली डिफ्रेंशिएट करने के बाद हमारे पास ये दो लाइंस आएंगी. पार्शली डिफ्रेंशिएट किया तो इसके बाद जब ये इक्वेशन को सॉल्व किया, समेशन ऑफ आई वाई आई माइनस ए प्लस बी एक्स आई इज इक्वल्स टू जीरो एंड समेशन ऑफ एक्स आई वाई आई माइनस ए बी एक्स आई इज इक्वल्स टू जीरो, दैट इज समेशन ऑफ वाई आई इज इक्वल्स टू एन ए समेशन ऑफ, अगर इसके ऊपर समेशन आएगा तो वैल्यू एन आएगी, एन प्लस समेशन ऑफ बी, अगर विदाउट वेरिएबल है तो वैल्यू समेशन की एन आएगी जो भी उसका टोटल है, बी समेशन ऑफ एक्स आई एंड सेम एज समेशन ऑफ एक्स आई वाई आई इज इक्वल्स टू ए समेशन ऑफ एक्स आई प्लस बी समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर. द रूट्स ऑफ स्क्वायर इक्वेशंस आर, यहाँ पर हमने बी की वैल्यू फाइंड आउट कर ली 2.8 से, जो कि ये आ रही है हमारे पास, और ज़्यादा सॉल्व किया उसको तो b की वैल्यू आई r सिग्मा x. स्टैटिस्टिक्स के टर्म्स में अगर हम आए तो सिग्मा y अपॉन सिग्मा x. तो ये हमारे हो गए रिग्रेशन कोफिशेंट की वैल्यू, रिग्रेशन कोफिशेंट y ऑन x यानी b y x की वैल्यू ये हमारे पास आई, जो वहाँ से पहले हम लोगों ने एक जगह पढ़ा था b y x रिग्रेशन कोफिशेंट था, तो ये उसकी वैल्यू है. और ए की वैल्यू क्या आई यहाँ पर, ए एस्टिमेटेड ए क्या हुआ, ए कैप इज इक्वल्स टू वाई बार माइनस बी कैप एक्स बार. सब्सिट्यूटिंग दीज ऑल वैल्यूज इन 2.3, 2.3 इक्वेशन क्या थी हमारे पास ऊपर, इक्वेशन 2.3 वाई इज इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स, ये वाई इज इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स. इसमें ए की वैल्यू हमारे पास आ गई, बी की वैल्यू आ गई, सारी वैल्यूज हम यहाँ पर पुट अप कर देंगे. ये तो ये वैल्यूज़ हमने पुट अप करी तो हमारे पास ये इक्वेशन सॉल्व होकर के आई. इसको और ज़्यादा सॉल्व करेंगे तो y माइनस वाई बार इज इक्वल्स टू आर सिग्मा x अपॉन सिग्मा y x माइनस x बार, ये हमारी y ऑन x की रिग्रेशन इक्वेशन आ जाएगी. सेम इसी तरीके से सारे प्रोसेस को अगर हम करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी x ऑन y के लिए हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी x माइनस एक्स बार इज इक्वल्स टू आर सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स वाई माइनस वाई बार. ये सब यूजुअल नोटेशंस हैं. x बार y बार मीन है, सिग्मा x सिग्मा y स्टैंडर्ड डेविएशन है x और y का, ये सारे इक्वेशंस हैं और ये इससे हम सारी वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं. अगर हमारे पास x और y की वैल्यूज़ दी हैं तो हम इसको जो है फाइंड आउट कर सकते हैं, रिग्रेशन इक्वेशन की वैल्यूज़ हमारे पास आ जाएंगी. और हमारे पास जब वैल्यूज़ आ जाएंगी तो y और x पर एक्स वैल्यूज़ मतलब इक्वेशन रिग्रेशन लाइन की आ जाएगी इक्वेशन, और उस पर जब हम करेंगे तो और x और y की अलग अलग वैल्यूज़ अगर हम पुट अप करेंगे तो जो भी प्रिडिक्शन होगा हमारे पास प्रिडिक्टेड वैल्यूज़ की, वो प्रिडिक्शन का
प्रिडिक्टेड वैल्यूज़ भी हमारे पास फाइंड आउट हो जाएंगी। ये सारी इक्वेशंस हैं। लाइन ऑफ रिग्रेशन, लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑफ एक्स ऑन वाई इन द लाइन विच गिव्स द बेस्ट एस्टिमेट ऑफ द वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर स्पेसिफाइड वैल्यू ऑफ एक्स इज x इज इक्वल्स टू एक्स बार प्लस आर सिग्मा x अपॉन सिग्मा y, y माइनस y बार, वेयर x बार y बार आर मीन ऑफ x सीरीज एंड y सीरीज, जो कि अभी मैंने बताया। स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा x और सिग्मा y जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा, और जो है तो आफ्टर सारी वैल्यूज़ को पुट अप करने के बाद जो इक्वेशन का कुछ फॉर्म आएगा वो इस तरीके से आएगा, x इज इक्वल्स टू अल्फा कैप प्लस बीटा कैप y, वेयर अल्फा कैप इज इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन एंड बीटा कैप इज स्लोप ऑफ द लाइन एक्स ऑन वाई। सिमिलरली सेम प्रोसीजर वाई ऑन एक्स के लिए, और जो हमारी लाइन आएगी वो वाई इज इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स, वेयर ए इज द इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन एंड बी इज द स्लोप ऑफ द लाइन वाई ऑन एक्स। रिग्रेशन कोफिशियंट हमने बताया था बी एक्स वाई और बी वाई एक्स, वो ये जो ये वाला जो कोफिशियंट है ये हमारा रिग्रेशन कोफिशियंट है। नाउ सम इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज रिलेटिंग टू रिग्रेशन कोफिशियंट। नंबर वन प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी जो यहाँ पर हम देख रहे हैं, u इज इक्वल्स टू x माइनस a अपॉन c एंड v इज इक्वल्स टू y माइनस v अपॉन d, वेयर c एंड d आर ग्रेटर देन ज़ीरो। तो ये क्या क्या है, अगर इसको पहले भी हम देखें कि मीन में भी देखा था हमने, मीन में भी इसकी स्टडी करी थी, वेरिएंस में भी की थी, कोरिलेशन में भी करी थी। ये है चेंज ऑफ इफेक्ट ऑफ ओरिजिन एंड स्केल। ओरिजिन क्या है, ए और बी ओरिजिन है एंड सी एंड डी आर द स्केल। देन द रिग्रेशन कोफिशियंट ऑफ वाई ऑन एक्स डिनोटेड बाय बी वाई एक्स फॉर द सेक ऑफ, ये हमने चेंज किया इसका यू एंड वी में जब चेंज होगा तो बी वाई एक्स क्या हो जाएगा, डी अपॉन सी मल्टीप्लाइड बाई वी एंड यू, एंड बी वाई एक्स को चेंज हमने किया तो इस तरीके से ये चेंज हो गया 2.16 इक्वेशन में एंड 2.17 इक्वेशन में। द अदर कॉन्स्टेंट इज रिग्रेशन इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ यू एंड वी। हम रिग्रेशन इक्वेशन रिग्रेशन कोफिशियंट निकालेंगे लेकिन उसमें डी और सी का इस तरीके से एक रोल होगा, डी अपॉन सी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तब वो इक्वल्स होगा बी वाई एक्स के। यानी इट मीन्स कि ये इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन बट नॉट स्केल। यानी कि रिग्रेशन कोफिशियंट इंडिपेंडेंट है ओरिजिन के चेंज होने का, और बट स्केल का इफेक्ट उस पर पड़ता है। अगर हम उसमें स्केल में चेंज करते हैं तो हमारा कोफिशियंट चेंज होता है। नाउ सेकेंड प्रॉपर्टी, हमारे पास वाई कैप इज इक्वल्स टू वाई बार आर सिग्मा वाई सिग्मा एक्स, एक्स माइनस एक्स बार है वाई कैप, नाउ डिवाइडिंग बोथ साइड ऑफ एन नेचुरल नंबर्स, y cap estimated y bar is equals to y bar. In other words, the mean of observed value y is equal to the mean of corresponding predicted value. Predicted value और उसके corresponding mean है वो observed value होगी। Now second property, the mean of error of estimates ei is equals to yi minus yi dash is zero since 1 upon n summation of ei is equals to 1 upon n yi minus yi dash is equals to yi minus y bar is equals to 0, similar to the first property of the mean. Third property, again the residual variance of e, n variance of e, e kya hai, error function hai hamara, uska humne variance liya. तो वेरियंस ऑफ ई इज इक्वल्स टू सिग्मा एक्स स्क्वायर वन माइनस आर स्क्वायर, आर स्क्वायर कोरिलेशन है। देन द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ई विच इज़ कॉल्ड द स्टैंडर्ड एरर ऑफ द एस्टिमेट ऑफ वाई फ्रॉम इट्स लीनियर रिग्रेशन ऑन वाई इज डिनोटेड बाय वी हैव देन सिग्मा एक्स वाई इज इक्वल्स टू सिग्मा वाई अंडर रूट ऑफ वन माइनस आर स्क्वायर, variance of e which is greater than equals to 0 we have r square less than equals to 1 or minus 1, r की values lie कर रही है minus 1 से plus 1 के बीच में, जो कि पहले भी हम देख चुके हैं r it means correlation coefficient जिसकी values minus 1 से plus 1 के बीच में lie कर रही है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, क्या रिलेशनशिप है कोरिलेशन कोफिशियंट और एक्स ऑन वाई कोफिशियंट ऑफ एक्स ऑन वाई एंड वाई ऑन एक्स के बीच में। दोनों की इक्वेशंस हम लोगों ने लिखे 2.6 एंड 2.7 में, वाई ऑन एक्स का रिग्रेशन कोफिशियंट एंड एक्स ऑन वाई का रिग्रेशन कोफिशियंट
विच इज़ इक्वल्स टू आर इज़ इक्वल्स टू बी वाई एक्स मल्टीप्लाइड बाई बी एक्स वाई, या आर इज़ इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ बी वाई एक्स मल्टीप्लाइड बाई बी एक्स वाई, ये हमारे पास रिलेशनशिप आ गया इसका। दस न्यूमेरिकली द कोरिलेशन कोफिशियंट इज़ द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द टू रिग्रेशन कोफिशियंट एज रिगार्ड द साइन ऑफ आर, इट इज़ द सेम एज द कॉमन साइन ऑफ द टू रिग्रेशन कोफिशियंट्स, जो कॉमन साइन होगा उस वही साइन जो है आर का होगा। नाउ प्रॉपर नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इफ़ वन ऑफ द रिग्रेशन कोफिशियंट इज़ ग्रेटर देन यूनिटी देन द अदर इज़ लेस देन यूनिटी, अगर एक जो है हमारा वन से बड़ा है तो दूसरा नेचुरली वन से छोटा होगा। इसको यहाँ पर ये प्रूव किया गया है, लेट बी वाई एक्स इज ग्रेटर देन वन, ऑल्सो वी नो दैट आर स्क्वायर, आर स्क्वायर का क्या है हमारा वन से हमेशा छोटा होगा, आर इज इक्वायर इज इक्वल्स टू बी वाई एक्स एंड बी एक्स वाई, वैल्यू सब पुट अप करी तो ये हमारा आ गया, इसको हमने सॉल्व किया यहाँ पर तो ये इक्वेशन आ गया, यानी कि अगर हम हमारा एक जो है वो वन से बड़ा है तो दूसरा वन से छोटा होगा। नेक्स्ट, आर्थमेटिक मीन ऑफ द रिग्रेशन कोफिशियंट इज ग्रेटर देन द कोरिलेशन कोफिशियंट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, रिग्रेशन कोफिशियंट आर द इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन बट नॉट स्केल, ये प्रूफ हम लोग इससे पहले फर्स्ट प्रॉपर्टी में कर चुके हैं, रिग्रेशन कोफिशियंट आर इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन बट नॉट स्केल, ये पहले फर्स्ट प्रॉपर्टी में हम लोग प्रूव कर चुके हैं। नाउ बोथ रिग्रेशन कोफिशियंट आर इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन बट नॉट स्केल, ये भी प्रॉपर्टी हम लोग कर चुके हैं ऊपर। द साइन ऑफ कोरिलेशन इज सेम एज द रिग्रेशन कोफिशियंट दैट इज आर ग्रेटर देन जीरो, द साइन ऑफ कोरिलेशन इज सेम एज द एज दैट ऑफ रिग्रेशन कोफिशियंट दैट इज आर ग्रेटर देन जीरो, इफ बी एक्स वाई ग्रेटर देन जीरो एंड आर इज लेस देन जीरो, इफ रिग्रेशन कोफिशियंट आर निगेटिव, वैल्यूज हमने यहाँ पर इसकी बी वाई एक्स की वैल्यूज यहाँ पर रखी, वैल्यूज यहाँ पर हम लोगों ने पुट की, बी एक्स वाई इज इक्वल्स टू कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई अंडर रूट ऑफ सिग्मा एक्स स्क्वेयर, आर इज इक्वल्स टू कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई अंडर रूट ऑफ सिग्मा एक्स एंड सिग्मा वाई। एग्जाम्पल के थ्रू कुछ एग्जाम्पल्स इसके देख लेते हैं कि कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। सपोज फॉर एग्जाम्पल मीन दिया है, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है और दो वेरिएबल्स दिए हैं एक्स का और ये वाई वेरिएबल, सपोज ये एक्स वेरिएबल है वाई वेरिएबल है, दो मीन है। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, कोरिलेशन कोफिशियंट ऑफ कोरिलेशन भी हमें दिया हुआ है। नाउ दो इक्वेशंस, लेट एक्स रिप्रेजेंट रेनफॉल एंड वाई रिप्रेजेंट यील्ड, एक्स ऑन वाई की वैल्यू हमने ये लाइन को फाइंड आउट करना है, हमें y ऑन x लाइन को फाइंड आउट करना है, इक्वेशन रखा, सारी वैल्यूज हमें गिवन है, सारी वैल्यूज को दे करके ये वाली एक ये लाइन हमारे पास आ गई, y इज इक्वल्स टू 4.16x प्लस दिस। अब ऊपर फाइंड आउट क्या करना है कि अगर हमारे पास रेनफॉल 29 सेंटीमीटर है जो कि यहाँ पे दिया है, रेनफॉल इतना है तो हमारे पास यील्ड कितनी होगी, ये एस्टिमेट करना है, और अगर हमारे पास यील्ड इतनी है तो रेनफॉल क्या होगा, ये दोनों चीज़ें हमें करना है। तो यहाँ पर x इज इक्वल्स टू 29 अगर हमें गिवन है तो यील्ड हमारी कितनी होगी, ये प्रेडिक्ट किया है, 29 हमें दिया हुआ है तो यील्ड हमारी हो गई 5 पॉइंट, ये इस वैल्यू में हमने पुट अप कर दिया, x की वैल्यू पुट अप कर दी 29, y की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। सेम x ऑन y इक्वेशन हमने फाइंड आउट करी क्योंकि अब हमें रेसिप्रोकल निकालना है, यील्ड हमें गिवन है, हमें रेनफॉल निकालना है कि उस यील्ड कितनी रेनफॉल पर वो यील्ड हुई है, तो ये इक्वेशन निकाली, इक्वेशंस हमारे पास एक्स एक्स बार वाई बार मतलब मीन एक्स का मीन वाई का मीन सिग्मा वाई सिग्मा एक्स आर सब की वैल्यूज़ गिवन है, तो हमारी इक्वेशन लाइन की इक्वेशन हमारे पास ये आ गई, लाइन की इक्वेशन ये आ गई, वाई की वैल्यू हमें गिवन है कि वाई की वैल्यू 600 है, 600 पर हमारा रेनफॉल कितना होगा, तो जब यील्ड हमारे पास 600 है, वाई की वैल्यू 600 है तो रेनफॉल हमारे पास क्या होगा, तो वो ये हमने यहाँ पर इस इक्वेशन से फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट एग्जांपल, सपोज फैमिली है, कुछ फैमिलीज ली हैं, उसमें एज ऑफ हस्बैंड एज ऑफ वाइफ ये इन्होंने लिया हुआ है, एक्स वैल्यू इसको वाई मान लेते हैं। अब इसके बाद हमें रिग्रेशन लाइन एस्टिमेट करना है, एज ऑफ हस्बैंड व्हेन एज ऑफ वाइफ इज़ 19, हमें अगर सपोज 19 वाइफ की वैल्यू दी हुई है तो हस्बैंड की एज क्या होगी ये निकालना है, एज ऑफ वाइफ व्हेन एज ऑफ हस्बैंड इज़ 30, हस्बैंड की एज अगर 30 दी है तो इसके इस डेटा के बेसिस पर ये फाइंड आउट करना है कि वाइफ की एज क्या होगी।
इस पर्टिकुलर डेटा के रिस्पेक्ट में। तो ये हमें x ऑन y और y ऑन x के लिए निकालना इक्वेशन निकालनी होगी। इसके बाद अगर हम देखते हैं तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, अब हमारे पास x और y की वैल्यूज़ दी हुई है, अब हमारे पास ना मीन है ना वेरिएंस है ना कुछ भी है, तो इसके बेसिस पर हम मीन और वेरिएंस और कोरिलेशन जो कि पहले हम निकाल चुके हैं पहले की यूनिट्स में, वो सारी चीज़ों को निकालेंगे। एक्स की वैल्यूज़ गिवन है, वाई की वैल्यूज़ गिवन है, हमारे पास एक्स और वाई दिया हुआ है, सारी वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। समेशन एक्स, समेशन एक्स स्क्वायर, समेशन वाई स्क्वायर, समेशन ऑफ एक्स वाई। समेशन एक्स निकाला, मीन हमारे पास फाइंड आउट हुआ, समेशन वाई निकाला, वाई का मीन आया हमारे पास। ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में सबके समेशंस दिए हुए हैं, सारे को सबको यहाँ पर रखा, सॉल्व किया तो रिग्रेशन कोफिशिएंट की वैल्यू आ गई। रिग्रेशन कोफिशिएंट की वैल्यू आने के बाद यहाँ पर एक्स ऑन वाई और वाई ऑन एक्स के रिग्रेशन कोफिशिएंट की वैल्यू आ गई। ये बी एक्स वाई और ये बी वाई एक्स, एक्स वाई एक्स ऑन वाई और वाई ऑन एक्स की वैल्यूज़ हमने निकाल ली। अब रिग्रेशन लाइन एक्स ऑन वाई, ये हमारे पास रिग्रेशन लाइन है, हमने क्या क्या फाइंड कर लिया, एक्स बार फाइंड कर लिया, आर फाइंड कर लिया, सिग्मा एक्स फाइंड कर लिया, सिग्मा वाई फाइंड कर लिया, सारी वैल्यूज़ जितने भी थी हमने सबकी वैल्यूज़ फाइंड आउट कर ली है। इस लाइन की इक्वेशन में रख के सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन लाइन की भी आ गई, x इज इक्वल्स टू 2.23, y इज इक्वल्स y माइनस 12.76। हमारे पास x ऑन y लाइन की इक्वेशन आ गई। सेम प्रोसीजर हम फॉलो करेंगे y ऑन x लाइन के लिए, क्योंकि हमारे पास सारी वैल्यूज़ हमें गिवन हैं, ये सारी वैल्यूज़ हमें y बार x बार r सिग्मा x सिग्मा y सब की वैल्यूज़ हमें गिवन है, केवल लाइन की इक्वेशन में रख के उसको सॉल्व करना है। तो ये y ऑन x की ये वाली वैल्यू जो आई वो y ऑन x की वैल्यू आ गई, इसको भी हमने सॉल्व कर लिया। अब हमें क्या करना था कि हमें एक बार x की वैल्यू यानी एक बार हमें हस्बैंड की एज दी हुई है, एक बार वाइफ की एज दी है, निकालना है। तो दोनों लाइंस में रखेंगे, जो डिपेंडेंट वेरिएबल है जो दिया हुआ है, y की वैल्यू हमें गिवन है तो हम x की निकालेंगे, और फिर इसमें x की वैल्यू गिवन है तो y की वैल्यू निकालेंगे। दोनों को अलग अलग लाइन से निकालेंगे, ये यहाँ पर हमने अलग अलग लाइन से निकाल लिया। y इज इक्वल्स टू 19 गिवन है तो x की वैल्यू हम यहाँ पर फाइंड कर ली। सिमिलरली x इज इक्वल्स टू वाइफ की वैल्यू दी हुई है तो वो निकाल लिया। इस तरीके से सारी वैल्यूज़ को करके आंसर को फाइंड आउट किया जा सकता है। समरी, इसको पढ़ने के बाद, इस यूनिट को स्टडी करने के बाद क्या क्या चीज़ें फाइंड आउट कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, वो इन समराइज वे में यहाँ पर दिया हुआ है, एक बार आप देख लीजिए। रिग्रेशन इज मेनली कंसर्न विद द ब्रिंगिंग आउट टू द नेचर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स एंड यूजिंग इट टू नो द बेस्ट एप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल करस्पॉन्डिंग टू नोन वैल्यू ऑफ द अदर वेरिएबल। द रिलेशनशिप बिटवीन एनी टू वेरिएबल मे बी लीनियर और नॉन लीनियर, दोनों तरीके के हो सकते हैं। अ रिलेशनशिप मे बी डिस्क्राइब बाई मीन्स ऑफ अ स्ट्रेट लाइन और ए कर्व, अगर लीनियर है तो स्ट्रेट लाइन है, नॉन लीनियर है तो वो कर्व होगा। इफ़ इट इज़ बेस्ट एक्सप्लेन्ड बाय अ स्ट्रेट लाइन इट इज़ कॉल्ड लीनियर रिग्रेशन, इफ़ इट इज़ डिस्क्राइब मोर अप्रोप्रिएटली बाय अ कर्व इट इज़ सेड टू बी नॉन लीनियर रिग्रेशन। बट हमारे कोर्स में सिर्फ और सिर्फ लीनियर रिग्रेशनशिप है, इसलिए हमने ऊपर केवल लीनियर रिग्रेशनशिप की स्टडी की है। देयर आर टू रिग्रेशन लाइन्स बिकॉज एनी वन ऑफ द टू वेरिएबल्स मे बी टेकन एज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल वाइल द अदर इज ट्रीटेड एज डिपेंडेंट वेरिएबल। तो इस तरीके से हम लोगों ने दो रिग्रेशन लाइन्स को फाइंड आउट किया है कि किस तरीके से दोनों रिग्रेशन लाइन फाइंड आउट की, कौन डिपेंडेंट वेरिएबल है कौन इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और इस तरीके से सारी चीज़ों को हमने फाइंड आउट कर लिया कि अगर, और प्रिडिक्शन भी कर साथ के साथ हम लोगों ने एग्जाम्पल्स के थ्रू यह भी देखा कि किस तरीके से प्रिडिक्शन किया गया है कि एक वैल्यू अगर हमें गिवन है तो दूसरी वैल्यू को हमने कैसे फाइंड आउट किया है। इस तरीके से अभी हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि किस तरीके से सारी चीज़ों को फाइंड आउट किया गया, x ऑन y रिग्रेशन लाइन क्या है, y ऑन x रिग्रेशन लाइन क्या है। एक चीज़ को मैं बार बार हर लेक्चर में कह रही हूँ कि इस स्टैटिस्टिक्स की जो पढ़ाई है उसको हमेशा कॉन्टिन्यूएशन में करना है। ये नहीं है कि पीछे की चीज़ें छोड़ दी फिर आगे की चीज़ों को आप कैच कर सकते हैं, आगे की चीज़ों को ग्रैप्स कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। हर उसमें अगर हम देख रहे हैं स्टार्टिंग से
फर्स्ट यूनिट थी हमारी ग्राफ के ऊपर बेस्ड थी कि किस तरीके से हम उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं डेटा का, डेटा क्या होता है, डेटा को कैसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया जाता है। सेकेंड यूनिट में, सेकेंड लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से मेज़र ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी यानी कि मीन, मीडियन, मोड, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, ये सब कैसे फाइंड आउट किया गया, ये सारी चीज़ों को देखा। उसके बाद मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन में हम लोगों ने स्टडी करी, किस चीज़ की स्टडी करी है, वेरियंस, रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, किस तरीके से क्या वेरिएबिलिटी है इनकी, इवन कोवेरियंस और कोफिशेंट ऑफ डिस्पर्सन, कोफिशेंट ऑफ वेरिएशन की भी वहाँ पर स्टडी करी गई है। उसके बाद रिग्रेशन एनालिसिस में हम आए, रिग्रेशन एनालिसिस में दो एक्स और वाई दो वेरिएबल्स हैं हमारे पास, और उन दोनों वेरिएबल्स की हमने लीनियरली रिलेशनशिप क्या है उनके बीच में, लीनियर रिलेशनशिप उनके बीच में, उसकी स्टडी करी। नेक्स्ट ये रिग्रेशन एनालिसिस, रिग्रेशन एनालिसिस में हमने किस चीज़ की स्टडी करी कि किस तरीके से अगर हमारे पास कुछ वैल्यूज़ हमें गिवन है तो हम किस तरीके से प्रिडिक्ट करेंगे कि हमें आगे की वैल्यूज़ को कैसे फाइंड आउट करना है। उसके लिए बेसिकली रिग्रेशन एनालिसिस को अगर हम आज तक की स्टडी को देखते हैं कि आज तक के जो है एक लिंक सा बना हुआ है, उसमें मीन भी निकालना है, वेरियंस निकालना है, रिग्रेशन कोरिलेशन कोफिशेंट निकालना है, यानी कि पीछे की किसी भी स्टडी को हम स्किप नहीं कर सकते हैं। सारी चीज़ों को, सारे फॉर्मूले को, हर फॉर्मूले को अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करके उसको बहुत अच्छी तरीके से करना पड़ेगा। सो आप लोग इसकी प्रैक्टिस करिए। SLM में सेल्फ लर्निंग मटेरियल जो आप लोगों को गिवन है उसमें और भी एक्सरसाइजेज दी हुई हैं, कुछ अनसॉल्व एक्सरसाइजेज भी दी हैं, उन सबको प्रैक्टिस करें और फॉर्मूले को हमेशा लर्न रखें, जो कि आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, इस स्टडी में काफ़ी बेनिफिशियल होगा वो। थैंक यू।